सोलन अस्पताल में डॉक्टरों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ने की बजाय कम होती जा रही है, जिसकी वजह से सोलन, सिरमौर और शिमला से इलाज करवाने आ रहे रोगियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि जब रोगी यहां पर अच्छे इलाज की चाहत में आते हैं, लेकिन उन्हें यहां आकर चिकित्सक ही नहीं मिलते हैं, तो रोगों से पीड़ित लोगों की पीड़ा और भी बढ़ जाती है। इसी कमी को भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दूर नहीं कर पाए हैं, तो अब भाजपा और कांग्रेस के युवाओं ने मिलकर प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। 3 दिनों से वह अस्पताल के बाहर भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं और उन्होंने प्रदेश सरकार को चेतावनी दी है कि जब तक अस्पताल में वह डॉक्टर नहीं भेजेंगे, तब तक वह अपनी भूख हड़ताल जारी रखेंगे और अगर जल्द ही इस पर कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई तो वह आमरण अनशन भी करेंगे। सोलन के विधायक धनीराम शांडिल ने भूख हड़ताल पर बैठे युवकों से उनका हालचाल पूछा और उन्हें ये आश्वासन दिया है कि इस बारे में स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार से जल्द बात करेंगे और इस समस्या का हल निकालने का प्रयास करेंगे। साथ ही उन्होंने भाजपा को घेरा और कहा कि सोलन अस्पताल की पहली बार इतनी दयनीय हालत हुई है, क्योंकि कांग्रेस कार्यकाल में करीबन 24 चिकित्सक अस्पताल में सेवाएं दे रहे थे, लेकिन भाजपा के आते ही यहां करीबन 18 डॉक्टर ही अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। कहीं ना कहीं कोताही हुई है, शायद स्वास्थ्य विभाग को भी इसको ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि इतनी कमी तो मुझे पिछले 5 वर्षों में कभी याद है, कभी नहीं हुई। इतने डाउन स्ट्रेंथ यहाँ पे नहीं आई। डॉक्टर एमएस से बात की, उन्होंने जो हमारे दूसरे डॉक्टर्स हैं उनसे बात की और पाया कि सचिन सेन को कम से कम इनके पास वर्किंग से वैसे तो देखा जाए इनके पास 30 से आसपास डॉक्टर अवश्य होने चाहिए और कम से कम फिलहाल 4 डॉक्टर और 6 नर्सेज और जो पैरामेडिक्स इनका कंपेरेटिव स्ट्रेंथ के होने चाहिए आने चाहिए। और इसी विषय को लेकर मैं शीघ्र ही अपने स्वास्थ्य मंत्री से मिलूंगा और इस समस्या का ठीक से निपटारा हो जाए इसके बारे में पूरी कार्रवाई करने की। लोग अब दबी जुबान में कहने लगे हैं कि प्रदेश में भाजपा सरकार है तो सोलन में कांग्रेस के विधायक धनीराम शांडिल हैं। कांग्रेस के विधायक धनीराम शांडिल इस हालात में कुछ करने लायक नहीं है और सोलन के भाजपा नेता की प्रदेश सरकार में चल रही है और अनुमान लगाया जा रहा है कि यही वजह है कि सोलन के मतदाता कांग्रेस को जिताने का दंड भोग रहे हैं, जिसके चलते ना अस्पताल में डॉक्टर हैं, ना ही तहसील में अधिकारी और ऐसा ही आलम नगर परिषद का बना हुआ है। ऐसे में सोलन का विकास कैसे होगा और कौन करवाएगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा होता नजर आ रहा है।